नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं मिथ मीडिया। और आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में। लालू यादव ने अपनी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव तो देखे, इन बातों से आप अच्छी तरह वाकिफ भी हैं, लेकिन आज हम लालू प्रसाद यादव के बारे में एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं जिसमें उनका पाला दो भूतों से पड़ गया था। अपनी दमदार भाषण शैली और राजनीति से विपक्षियों को परास्त करने वाले लालू प्रसाद यादव का बचपन में सामना दो भूतों से हुआ तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लालू यादव के जीवन पर लिखी किताब गोपालगंज से रायसीना बचपन में घटित तमाम किस्सों का जिक्र किया है। उन्हीं किस्सों में से एक किस्से के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा है, मेरे पिता लोग तीन भाई थे, उनके एक भाई सूधन राय ने शादी नहीं की और सन्यासी हो गए थे। लालू कहते हैं कि वो काली माई और स्थानीय देवता बरम बाबा की पूजा करते थे और लोगों के शरीर में घुसे हुए भूतों को भगाते थे। हम जब कभी भात और मछली की बात करते तो वो नाराज हो जाते और गालियां देने लगते। उन्होंने लिखा कि एक बार मेरा भी भूतों से सामना हो गया। ये गर्मियों की चमकदार पूर्णिमा की रात थी। हमारे घर के पीछे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बरम बाबा का अपना ठिकाना बना हुआ था। गांव के एक काका सोरठी गा रहे थे और बरम बाबा के डेरे में रात्रि भोज के बाद घेरे में बैठकर लोग उन्हें सुन रहे थे। उन श्रोताओं में मैं भी शामिल था। मुझे चैत, बिरहा, होली, सोरठी और अन्य लोकगीत सुनना अच्छा लगता है और मैं आज भी उन्हें सुनता हूँ क्योंकि ये आपको जड़ों से जोड़े रखते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान वहीं बरम बाबा के नज़दीक गेहूं के पुलाव के ढेर में मेरी नींद लग गई। मुझे पता नहीं चला कि कब काका ने गाना बंद कर दिया और अन्य ग्रामीण अपने घरों को चल दिए। अचानक दो लड़कों ने मेरे दोस्तों का स्वांग भरकर मुझे जगा दिया और अपने साथ आने के लिए उकसाया। मैं नींद में था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गांव के बाहर स्थित शमशान की ओर बढ़ रहे थे और मैं आंखों को मलता हुआ उनके पीछे चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद मैं खेत में लघुशंका के लिए बैठ गया। वो दोनों लड़के मेरे नज़दीक खड़े रहे, उनके सिर और चेहरे ढके हुए थे। मैं जब पेशाब कर ही रहा था उसी समय हमारे गांव के एक बुजुर्ग तपेसर बाबा अपनी हथेलियों में खैनी मलते हुए वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, कौन है रे? मैंने जवाब दिया, हम हैं ललुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? उठो और अपने घर जाओ। जैसे ही तपेसर बाबा ने निर्देश देने के अंदाज में ये कहा, दोनों लड़के वहां से भाग गए। मैं सुबह उठा और उन दोनों लड़कों के घर पहुंचा जो रात को मुझे शमशान घाट ले जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वो तो रात को अपने घर पर सो रहे थे, जिसके बाद मैं बहुत चक्का रह गया। इसके बाद मैं तपेसर बाबा के घर गया। उन्होंने भी कहा कि रात में जिस जगह पर वो मुझे मिले थे वहां पर वो लोग नहीं थे, जिसके बाद उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि रात को उनको जगाने वाले वो दोनों लड़के मेरे दोस्त नहीं बल्कि वो दोनों भूत ही थे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मिथ मीडिया।